गरमा गरम पकौड़े, ठंडे हो गए बेटा। अब मैं अपनी छुटकी को ठंडे पकौड़े थोड़ी खिलाऊंगा, इसलिए मैं ही खा लेता हूँ। अरे पकौड़े छोड़ो भाई साहब, खबर नहीं सुनी क्या? भागो यहाँ से। कौन सी खबर? अरे ये देखो, इतनी बड़ी खबर आई है, कल हिंदुस्तान में बहुत बड़ा एस्टेरॉइड गिरने वाला है, हम में से कोई नहीं बचेगा, चलो फटाफट। अरे चुटकी चल एयरपोर्ट। अरे कहाँ जा रहे हो? काश तेरी ताई जी को भी बचाने का टाइम होता, पर मेरे हाथों में तो ये पकौड़ों की प्लेट है ना। चल चल चल। अरे एक मिनट, दिखाइए जरा। ये देख, indiabestnewsonly.com, ये असली न्यूज वेबसाइट नहीं है। अरे पर ऐसी तो दिखती है असली न्यूज वेबसाइट। ओफो, मैं समझाती हूँ चाचू, इसको स्पूफिंग कहते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन, झूठी जानकारी फैलाने के लिए लोग कभी कभी ऐसी साइट्स बनाते हैं जो दिखती तो बिल्कुल असली न्यूज चैनल की तरह है, वही न्यूज वाले नाम, वही लिखने का ढंग, वही डिजाइन, ताकि आपको लगे कि वाकई कोई अखबार या फिर न्यूज चैनल है, पर होता एकदम नकली है। मतलब कोई एस्टेरॉयड नहीं है? नहीं, जब भी आपको कोई ऐसा पेज दिखे जो न्यूज चैनल की तरह लगता है पर उसे आप पहचानते नहीं, उसके बारे में रिसर्च करिए, भरोसेमंद लोगों और वेबसाइट्स पर उनके बारे में जानिए और अपनी जानकारी बढ़ाइए, क्योंकि कुछ पेजेस सिर्फ न्यूज चैनल की तरह दिखते हैं पर होते नहीं। जैसा तेरी ताई जी के बाल, दिखते काले पर है नहीं, डायलॉग आती है। हाँ मैं सब सुन रही हूँ। बुढ़िया के बाल पक गए, कान नहीं पके। स्पूफिंग से बच के रहो, झूठे दावे ना मानो, उनके रूप पहचानो।